क्या आपने आदि पुरुष का टीजर देखा है? हाँ, मुझे पता है वो लोग आपकी एक्सपेक्टेशन को रीच नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर उनको वो मूवी रिलीज करनी है तो कौन कौन सी चीजें जिनमें उन्हें बदलाव करना पड़ेगा? लोग आदि पुरुष के VFX को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित है कि उसका VFX तो एकदम एनिमेटेड लगता है, और वही मार्वल का VFX इतना ज्यादा तगड़ा लगता है, इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन लोगों ने ये बात नोटिस नहीं की है कि मार्वल उस VFX को अचीव करने के लिए कितना ज्यादा पैसा लगाता है और कितना ज्यादा टाइम लगाता है, तब जाकर के उतना ज्यादा अच्छा VFX वो लोग अचीव कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर लोगों का ये सोचना है कि सिर्फ 250 करोड़ में वो लोग इतना ज्यादा अच्छा VFX लगा पाएंगे, तो भाई दैट इज नॉट पॉसिबल। और अब जब उन्होंने ये गलती कर ही दी है तो वो लोग उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसको ठीक करने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो फिर और ज्यादा पैसा लगा करके उसका एनिमेशन अच्छा कर लो, या फिर तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और हमें पता है जैसा चल रहा है अगर वैसा चलने दिया तो फिर मूवी का क्या होने वाला है? बाकी इससे रिलेटेड आपके क्या थॉट है कमेंट में जरूर से बता देना।